दोस्तों यूरोप के अंदर एक देश है जर्मनी, और अभी जर्मनी में एक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है जो कि इस बार का 60वां कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए दुनिया भर के कई देशों के एक्सटर्नल मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं। इसमें बेसिकली यही चर्चा होता है कि दुनिया में जो वॉर चल रहा है उससे कैसे निपटा जाए, शांति कायम किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो इस कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं, और इसी दौरान इन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बैठ करके बातचीत के दौरान रूस की तारीफ करते हुए बोला, अगर मैं स्मार्ट हूं तो इससे दुनिया को प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्मार्ट होना गलत है क्या। और इन्होंने यहाँ पर जो मैं वर्ड यूज किया है ये अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए किया है कि भारत अगर स्मार्ट है तो इससे दुनिया को प्रॉब्लम क्या है, इसमें भारत की क्या गलती है, आप भी स्मार्ट बनो। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने रूस की क्या चीज के लिए तारीफ की, भारत को किस चीज के लिए स्मार्ट बताया, और इनसे उस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल किया गया, और कैसे इन्होंने वहाँ पर भारत का नाम रोशन किया और वर्ल्ड वाइड पूरे न्यूज में छा गए हैं, हर जगह सिर्फ इन्हीं का आर्टिकल देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उस मजेदार सीन का कुछ झलक। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया अफेयर्स। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये थोड़ा सा क्लिप देखिए। Is that okay with your counterpart from the U.S.? Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You know, you shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so, certainly in this case and in that case, because look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. तो आपने देखा कि उस महिला ने सवाल किया कि आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं, उन्होंने मल्टीपल सवाल किया। तो जयशंकर साहब ने कहा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ आई एम स्मार्ट, तो जयशंकर साहब का कोई जवाब नहीं है। अपने विदेश यात्रा में वो जहाँ भी जाते हैं भारत का पटाखा लहरा करके आते हैं। अगर कोई वहाँ पर आम आदमी रहता तो गुस्सा हो जाता, सामने वाला बोल रहा है कि आप मेरे दुश्मन देश के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हो। अगर कोई नॉर्मल पर्सन रहता तो हो सकता था कि सिचुएशन कुछ और होता, लेकिन जयशंकर साहब ने सबको हंसाते हुए भारत की ओर से पूरी बात कह डाली और सब हंस पड़े। तो अपने प्यारे भारत में एक से एक एक्सपर्ट्स हैं, तब जाकर के भारत इतना ग्रो कर रहा है। एक टाइम था कि भारत किसी का पक्ष लेने से डरता था, लेकिन अब भारत जहां सही लगता है, जो सही है उसका पक्ष लेता है, चाहे सामने कोई भी हो। अमेरिका रशिया दोनों दुश्मन है अभी, लेकिन हमारे लिए दोनों जरूरी है, और हम किसी एक के सामने किसी एक की बुराई नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो सही लगा वो भारत ने किया। वो कहते हैं रुख बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वही हाल है भारत का, सब कुछ बदल डाला। अब वो भारत नहीं है कि अमेरिका को खुश करने के लिए रशिया से झगड़ा कर ले, जैसे कि अभी यूके ने किया, अमेरिका के कहने पर रशिया पर सेंसर लगा दिया, और अभी देखिए उसकी हालत क्या है, यूके रिसेशन में जा चुका है। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जापान के बाद यूके भी मंदी में चल रहा है और यूके की भी हालत खराब है। तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के पद पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब, ये बहुत सही है। और भारत अपना जियोपॉलिटिक्स खेल रहा है, अमेरिका को रूस से प्रॉब्लम है, यूरोप को रूस से प्रॉब्लम है, अमेरिका और यूरोप दोनों को भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप रशिया से अगर बात नहीं करना चाहते हैं तो हमारे थ्रू बात कीजिए, हमारे थ्रू ट्रेड कीजिए। आप रशिया से डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मदद बीच में भारत कर रहा है। मैं रशिया से कोयला खरीद रहा हूँ, तेल खरीद रहा हूँ और आपको बेच रहा हूँ, आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा, और ऐसा दुनिया में पहली बार हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये छोटा मोटा बयान क्यों दिखा रहा है भाई तू। गाइस ये छोटा मोटा बयान नहीं है, ये बयान कहाँ दिया गया है, किसके बीच में दिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उस सभा में दुनिया के लगभग देश के विदेश मंत्री मौजूद थे, और ठीक सामने में जो सवाल कर रहा है वो अमेरिका का विदेश मंत्री है, चाइना का विदेश मंत्री, अरब कंट्री, यूरोपियन कंट्री, सबके विदेश मंत्री वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर अपने पॉइंट को रखना और भारत के स्ट्रेटेजी को दिखाना, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे दुनिया का नजरिया बदलेगा भारत को लेकर के। आई होप कि गाइस आपको भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब का भारत का नीतिया अच्छा लगा होगा। वैसे गाइस आप क्या कहना चाहेंगे भारत के इस स्टैंड को लेकर के, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।